नमस्कार, मैं हूं मैक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां भारत के निर्माण में देश का हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, इसके लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में माध्यम से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। करनाल जिला में यह कार्यक्रम शहर की कालिदास रंगशाला में सम्पन्न हुआ। एक बड़ी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री का करीब 1 घंटे का सीधा प्रसारण हुआ, जिसमें उन्होंने देश की जनता को फिट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह के अतिरिक्त खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा करीब 1500 बच्चों ने शिरकत की। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का स्मरण कर उन्हें नमन किया और सभी देशवासियों का खेल दिवस की बधाई दी। जैसे ही स्टेज से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, उपस्थित सभी ने एकाग्रचित होकर प्रधानमंत्री का भाषण सुना। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल का सीधा नाता फिटनेस से है। फिटनेस केवल एक शब्द ही नहीं, जीवन की जरूरत भी है। हमारे देश में फिट रहने के लिए योग, व्यायाम और खेल प्रारंभ से ही होते रहे हैं, जिनसे जुड़कर व्यक्ति सेहतमंद बना ही रहता है। अब फिट इंडिया मूवमेंट इसलिए जरूरी हो गया है कि व्यक्ति इन चीज़ों की ओर ध्यान ना देकर भौतिकता में व्यस्त रहता है। इससे सोसाइटी में उदासीनता सी आ गई है और हमारी पहले जैसी जीवन शैली नहीं रही। परिणाम स्वरूप समाज में मधुमेह और बीपी जैसी बीमारियां हो रही हैं। इनसे बचने के लिए अब हर व्यक्ति व हर परिवार को फिटनेस की अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। इस मौके पर जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, नगर निगम के कमिश्नर राजीव मेहता, DSP राजीव कुमार के अतिरिक्त संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। मैं नहीं मानता हूं कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उत्तम कार्य रचना के लिए, इस उत्तम प्रकार के प्रस्तुति के लिए जिन्होंने तो कम से क्यूलाइट किया होगा, जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये पहले के लोग आए करेंगे, मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक ऐसी सोच के साथ दिन की शुरुआत की है और मैं कहूँ सभी देशवासियों के लिए नहीं, दिन की ही नहीं, आगे जिंदगी की शुरुआत की है फिट इंडिया का एक नारा देकर। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी नारा देते हैं, मुझे लगता है कि देशवासियों के मन की बात पढ़ लेते हैं। तभी तो उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, उन्होंने देश को आगे बढ़ने के लिए आगे देश ने जो स्वच्छता का नारा दिया, आज हम महसूस करते हैं कि 5 सालों के बाद हमारी स्वच्छता में कितना फर्क पड़ा है। चाहे हमारी आंतरिक स्वच्छता है और चाहे हमारे शहरों की स्वच्छता है, और आज ये अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ फिट इंडिया का जो नारा है वो हमारे देश को, विशेष तौर पे हमारे नागरिकों को एक स्वच्छ सोच के साथ, स्वस्थ मन और स्वच्छ तन के साथ स्वस्थ समाज के लिए निर्माण करेगा। हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। बहुत सारी मन की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, जिसमें देश में बच्चों में और सभी युवाओं ने खेलों में आगे आकर हमारे देश का नाम रोशन भी किया और फिटनेस का उदाहरण भी दिया। हमारी संस्कृति है, कोई भी उत्सव है, कोई भी त्योहार है, हम कलाओं के द्वारा, नृत्य के द्वारा, फिटनेस के तौर पे हम मनाते हैं।
और आज हमारे प्रदेश में मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे प्रदेश में विकास के साथ साथ फिटनेस के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर अनुसरण करते हुए योगशालाओं के अंतशालाओं और हमारे नगर निगम के शहरी क्षेत्रों में ओपन एयर जिम और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के ओपन एयर जिम की स्थापना की, ताकि हमारे प्रदेशवासी सभी फिट रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।